अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। कामोठे में श्रीराम कथा यज्ञ में भक्तों की उमड़ी भीड़, जय राम जी महाराज सुना रहे भगवत कथा। और आज चक्रवर्ती जी के जहाँ एक बार शब्द का प्रयोग मानस जी में बाबा जी ने किया है, वहाँ कोई ना कोई रहस्य है। एको बारो भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन तांबा शक्ति समिति द्वारा कामोठे में आयोजित श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ भक्तों की भीड़ से सराबोर होने लगा है। श्री जय राम जी महाराज के मधुर प्रवचन और कीर्तन को सुनने के लिए यहां चौथे दिन राम भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। सोमवार को महाराज श्री ने जब अवध नरेश दशरथ के घर श्री राम लला के जन्मोत्सव की कथा सुनाई, तब भक्त भाव विभोर होकर नाचने लगे। कथा ज्ञान यज्ञ के संयोजक ज्योतिषाचार्य रजनीश मिश्रा ने आनंद व्यक्त करते हुए राम कथा को कलियुग का कली काल नाशक बताया और भक्ति भावित जनों से उत्सव में सहयोग करने का आह्वान किया। प्रातः स्मरणीय जगत गुरु आचार्य श्री जयराम जी महाराज के सानिध्य में कमोठे के रहवासी पिछले चार दिनों से लगातार रसपान कर रहे हैं श्री राम कथा का, और मेरा आग्रह है कि अभी भी जिन व्यक्तियों ने, जिन भक्तों ने अभी लाभ न लिया हो समय अभाव के कारण, अभी 3 तारीख तक कथा चलने वाली है और ये बहुत लोगों के परिश्रम का फल है। उसमें पंडित रमाकांत शास्त्री जी इस समिति के अध्यक्ष, पंडित सुशील मिश्रा जी सचिव, पंडित राधेश्याम मिश्रा जी उपाध्यक्ष, श्री संजय सिन्हा जी मैनेजर अकाउंट्स, बीएन तिवारी जी, श्रीमती अन्नू दुबे जी, श्रीमती मालती मिश्रा जी, इन सबके अथक परिश्रम से ये चल रहा है। और हमारा आग्रह है कमोठे रहवासियों से इस तरह का अवसर का लाभ उठाते रहें, और जिससे कि प्रोत्साहन अगर मिलेगा तो अगले वर्ष हम निरंतर इस कार्य को करते रहेंगे आर्थिक सहयोग के साथ, क्योंकि ये ऐसे कार्य हैं जो कि किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं किए जाते हैं, समाज के लिए किए जाते हैं, समाज को दिशा देने के लिए किए जाते हैं। राम के चरित्र से, जो मर्यादा पुरुषोत्तम का श्री राम का चरित्र, उस चरित्र से हम अपने बच्चों को संस्कृति प्रदान करें, इस अवसर का लाभ उठाएँ। हमें यही हमारा आग्रह है, हमारी समिति की तरफ से यह आग्रह है, अवश्य पधारें, इसका लाभ लें। पंडित रमाकांत शास्त्री के सानिध्य में 4 जनवरी तक चलने वाले इस कथा उत्सव के परम सहयोगी एवं उद्यमी हेमंत सिंह, मालती मिश्रा एवं पूर्व प्रशासनिक अधिकारी डीके शर्मा ने भी श्री राम के जीवन आदर्शों को घर घर पहुंचाने के लिए आयोजित ज्ञान यज्ञ की सराहना की और श्रद्धालुओं से लाभ उठाने की अपील की। ललितांबा समिति के द्वारा यह दूसरा वर्ष कामोठे में राम कथा हो रहा है, और ये जो कमेटी है, कमेटी के लोगों ने काफ़ी धैर्यपूर्वक बड़े अच्छे से इस कार्यक्रम को आयोजित किए हैं, इसके लिए हम पूरी कमेटी को धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी इस तरह के राम कथा कराएं, ताकि लोगों के अंदर भगवान श्री राम के आदर्शों को पहुंचाएं। और भगवान राम हमारे बहुत पुराने आदर्श थे, हमारे जो युवाओं के अंदर उनके प्रति अब थोड़ी सी सोच कमज़ोर पड़ती जा रही है, तो इस तरह के कथा से हमारे युवाओं में एक जोश आएगा, उनके ज्ञान का थोड़ा सा बढ़ोतरी होगा, इसलिए हम ललितांबा संस्था को अपनी तरफ से धन्यवाद देते हैं कि इस तरह का कार्यक्रम सदैव करती रहिए। ये दूसरी बार कथा हो रही है, पहले भागवत हुई थी हमारी सेक्टर 19 में, इस बार वो प्लाट न मिल चुका इसलिए अभी यहाँ हो रही है। तो सबसे निवेदन है कि सब लोग आए यहाँ कथा में सम्मिलित हो,
लाभ ले कथा का। यह कमोठे में पहली बार हमारी कथा हुई थी भागवत 2017 में सेक्टर 19 में, और वो प्लाट नहीं मिलने को जैसे इस बार यहाँ करना पड़ा। और हमारा ये विनती है कि हमारी हर साल कथा होगी, अभी कभी राम कथा कभी भागवत। ये हमारी ललितम्मा शक्ति समिति बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता लोग सब। ललितम्मा शक्ति पीठ द्वारा राम कथा का आयोजन जो किया गया है, आज ये पूरा कामोठा धन्य हो गया है, और पूरे कामोठा वासियों का ये परम सौभाग्य है जो निरंतर भगवान राम की कथाएं हो रही हैं, श्रीमद् भागवत कथा हो रही है। और मैं चाहूँगा उत्तरोत्तर ऐसे ही होता रहे और इसका लाभ सभी श्रोताओं को मिले, एक अच्छा संदेश जाए पूरे नवी मुंबई में, और कामोठा एक ऐसे उभर के आवे पूरे नवी मुंबई में जिसका लोग एक स्वर्णाक्षरों में और एक अच्छे उसमें लोग इसको जाने। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।